हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नेचुरल हेयर सीरम बनाने का तरीका। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आसान सा हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे आपके बालों की सभी प्रकार की समस्याएं जैसे हेयर लॉस, बालों का झड़ना, बालों का ना बढ़ना, डैंड्रफ, दो मुहे बालों का होना, बालों का रूखा होना आदि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो ये प्रॉब्लम आम हो गई है। सभी लोगों की यही शिकायत होती है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, डैंड्रफ अधिक हो गया है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका पूरा पूरा फायदा भी उठा सके। तो आइए इस हेयर ग्रोथ सीरम को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एलोवेरा की ताजे पत्तियों से इसका जेल निकाल लेना है। यदि आपके पास नेचुरल एलोवेरा की पत्तियां नहीं है तो आप मार्केट में आसानी से मिलने वाले एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, जो हमारे हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है और सिल्की स्मूथ शाइनी भी बनाता है। साथ ही डैंड्रफ, स्कैल्प इचिंग की समस्या को भी दूर करता है। इसके बाद हमें लेना है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। अदरक हमारे बालों के स्कैल्प से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है और प्रोटेक्ट करता है, जिससे हमारे स्कैल्प हेल्दी बनती रहती है और साथ ही हेयर फॉल को भी रोकता है। और इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब आप इसे कद्दूकस करने के बाद इसका जूस निकाल लेंगे। अब आप इसका जूस अपनी फिंगर की हेल्प से या फिर स्ट्रेनर यानी छन्नी की मदद से भी निकाल सकते हैं। अब आप एक ग्राइंडर ग्लास लें। अब इसमें इस एलोवेरा जेल को डालें और 1 चम्मच अदरक के जूस को डालें और अब आप इसमें 1 चम्मच आंवला पाउडर को डालें। अब आप इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड ऑयल यानी अरंडी का तेल डालें। अब आप इसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल को डालें। अब इन सभी सामग्रियों को ग्राइंड कर लीजिए। जब ये ग्राइंड हो जाए तो आप इसे एयर टाइट जार में भरकर फ्रिज में 15 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब जानते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। आप इसे यूज करने से पहले एक बार शेक कर लीजिए, ताकि सारी सामग्रियां आपस में अच्छे से मिल जाए। और फिर एक कटोरी में लेकर अपने स्कैल्प पर लगाएं और इसे पूरे बालों पर लगाएं और 5 मिनट तक की मसाज दीजिए और फिर पूरी रात के लिए ऐसे ही लगा रहने दीजिए, या फिर आप 1 घंटे के लिए भी इसे लगा और फिर अपने बालों को वॉश कर लीजिए। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएं। इसके यूज से आप 1 हफ्ते में ही अपने बालों पर फर्क देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।